हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल एंड ऑल राइट। सो टुडे वी विल डन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट एंड देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़। अब हम डेवलपमेंट और यूज़ के भी कहाँ से निकले हैं और उनका यूज़ क्या क्या है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता होती है। क्या होती है? क्वांटिटी कितने हैं वो हमें पता होती है। दीज रिसोर्सेज आर बींग यूज इन प्रेजेंट। ये हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, आज के समय भी यूज़ कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, जैसे कोयला का रिच डिपॉजिट है वो भूड रीजन ऑफ जर्मनी में है। पेट्रोलियम हमारा वेस्ट एशिया में बहुत है। डार्क सॉइल जो हमारा डिक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में है। तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पता है कहाँ का क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी हमें पता नहीं है, इनकी क्वांटिटी पता नहीं है कहाँ पर क्या है किधर है। द रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर जनरेशन। ये रिसोर्सेज अभी तो जनरेशन में यूज़ नहीं हो रही पर ये फ्यूचर जनरेशन में ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कि हम अभी यूज़ कर सकें। ये ऐसी रिसोर्सेज पड़े हैं हमारे यहाँ कि जिन्हें अभी तो कोई नॉलेज और डेवलपमेंट इनका हुआ नहीं है, ठीक है ना। इनकी अभी टेक्नोलॉजी हमारे इस प्रेजेंट में भी इन्वेंशन हुआ है इसका, पर हाँ ये फ्यूचर जनरेशन तक इन्वेंशन ज़रूर हो जाएगा और इन रिसोर्सेज का हम यूज़ ज़रूर करेंगे। जैसे यूरेनियम जो है हमारा लद्दाख में पाया जाता है पोटेंशियल रिसोर्स की तरह। अब ये हमारा यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया जाता है, हो सकता है यूरेनियम कभी हमारी फ्यूचर जनरेशन में कोई अच्छे काम में आए, तो वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज जो अभी हमें पता नहीं है, पर हाँ फ्यूचर जनरेशन तक इसका ज़रूर पता लग जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक प्रेजेंट है। रिसोर्सेज जो है यूबिक्यूटस होते हैं, लोकलाइज होते हैं। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो केवल चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, भले से वो वर्ल्ड हो, यूनिवर्स हो, गैलेक्सी हो हमारा, या स्टेट हो, एक छोटा सा भी जगह हो, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो हम एयर लेते हैं, ब्रीथ, सांस जो जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, चारों तरफ प्रेजेंट है। पर लोकलाइज वो होते हैं जो केवल उसी तरफ पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था लद्दाख में यूरेनियम है तो वो उसी जगह है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी मैंने बताया था डिक्कन प्लेटी जो है महाराष्ट्र में वो वहीं है डार्क सॉइल पे। जर्मनी और पेट्रोलियम जो बताया था मैंने वेस्ट एशिया में वहीं है। कोयला जो जर्मेनियम में वो वहीं है, वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। वो भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेरेन माँ का क्लाइमेट कैसा है, माँ कितनी ऊँचाई है कितनी नीचाई है, माँ ठंडक कैसी है, वेदर कैसा रहता है, हर चीज़ पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनमेड रिसोर्स, जो निकले तो नेचुरली हैं पर मैंने अपने अनुसार बनाया है, उससे भी चीज़ें निकाल दी। जैसे लोहा हमारा सीधा तो ये नहीं है कि तुम लोहे की सीधे ही पहाड़ों में से गेट निकाल के ला रहे हो या कुछ सीट निकाल के ला रहे हो, नहीं, हमारे ओर निकलते हैं, आयरन ओर या गोल्ड भी निकलता है। गोल्ड बिल्कुल ऐसे निकलता है सॉलिड फॉर्म में, उल्टी मतलब छोटे छोटे किंकर टाइप के फॉर्म में निकलते हैं, पर उसे गला के मैनमेड इंसान ने गला के उसके ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, बहुत सारी चीज़ें। अब हमारे लोहे का कितना काम है, हर जगह हर घर में कम से कम कितना तो होता ही होगा लोहा, ठीक है ना। तो उस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है इंसान और उससे मैंने बहुत सारी चीज़, जैसे हमारे पत्थर निकले बड़े बड़े, उससे क्या बनाना शुरू कर दिया, ईंट बनाई और उससे सीमेंट बनाया, बदरपुर बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, मशीनरी बनाई, व्हीकल्स बनाए, जिससे ये हो गया, वो है मैनमेड रिसोर्स जो मैन ने बनाया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ द नेशन। ह्यूमन बीइंग क्या है? हमारा बिगेस्ट एसेट। क्यों? क्योंकि इंसान सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे राष्ट्र की। क्यों? वही इंसान टेक्नोलॉजी बढ़ा बढ़ा के, वही इंसान अपना दिमाग खर्च करके, वही आज हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं अपने घर पे प्रॉपर टाइम पे, उसी से ही हो सकता है आगे वाले टाइम में आप भी कुछ ऐसा करें, ठीक है। तो क्यों पढ़ाई करी जाती है? इसी वजह से, वही इंसान, क्योंकि वो जहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, हमारा एबिलिटीज ज़्यादा होंगी, जहाँ का नंबर ज़्यादा होगा उसी तरफ से डेवलपमेंट होता है। देखो अब हमारे बुलंदशहर में इतना वो नहीं है क्रेज़, अब देखो हमारे दिल्ली नोएडा में कितनी जल्दी मेट्रोज आई नहीं, तो वहाँ का इस तरीके की टेक्नोलॉजी, उसी तरीके का इंसान वहाँ पाया गया, ठीक है, इसी तरीके के लिए। और वहाँ का एजुकेशन लेवल कितना है ज़्यादा,
ठीक है, ह्यूमन बीइंग हु आर कैपेबल ऑफ टर्निंग ऑल अवेलेबल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स, जो भी ह्यूमन बीइंग को मटेरियल मिला उनने अपने वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल लिया। जैसे क्या, उसे सब सीमेंट बदरपुर मिला, उनने पहले घर मकान बनाने की जो थी, अब देखो बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी आ गई हैं एक से एक बढ़िया, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, कभी एक मंजिल दो मंजिल घर बनते थे, आज 100-150 मंजिल घर बनते हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि प्रेजेंट में इतना कम खर्च करो, इस हिसाब से खर्च करो जो फ्यूचर जनरेशन पे के लिए बचे, ऐसा नहीं है कि तुम खूब खर्च कर रहे हो, अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एवर ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिमांड एट रेट इट एट विच नेचुरल रिसोर्स आर बीइंग कंज्यूम्ड हैज राइजन वेरी फास्ट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिसोर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज देखिए कि हमारा एनवायरनमेंट कितना गंदा रहता है, क्यों, किस वजह से एनवायरनमेंट गंदा रहता है, आज क्लोरो फ्लोरोकार्बन हमारे CFC जो है कितना रेट बढ़ गया है हमारा इसका, ठीक है। और आपका ओवर यूज़ ऑफ सॉइल हैज़ कॉज लैंड इनफर्टिलिटी। आप ज़्यादातर अगर सॉइल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो कितना आपका इनफर्टिलिटी वाला हो जाएगा, मतलब अगर उस एक पे खेती करते रहोगे, जब भी तो किसान बार बार एक एक साल में 3-4 खेती करता है अलग अलग की, जिससे कि हमारी इनफर्टिलिटी जो है, जो उपजाऊपना है वो जाए ना, ठीक है, अलग अलग तरीके की अलग अलग क्रॉप्स की। किलिंग वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे या हम पूरे चिड़ियों को सब मारेंगे, ठीक है। एनिमल्स हैव लेड टू सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट। आपको पता है आजकल कितनी सारी बर्ड्स की, एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है, क्योंकि ओवर यूज़ से कितना इंसान ने यूज़ करा। आप अब आप देखिए एक चीज़, आपके पहले कभी घर में कूलर हुआ करते थे, पंखे हुआ करते थे, फिर कूलर आ गए, अब ACs आ गए, आजकल सबके कमरों में एक अगर तीन भी कमरे हैं तो मिनिमम दो तो AC लगे हुए ही होंगे, ठीक है, कहीं जिसका वो होती है कैपेबल होता है, ठीक है। किसी किसी के चार, अब एक जना है उसके अब ज़रूरत है, घर में चार मेंबर है तो चारों के पास ही अलग अलग अपनी मोटरसाइकिल होगी या कार होगी एक घर में, ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं, इन ऑर्डर डेट द फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू इन्जॉय इवन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए कि जो भी फ्यूचर जनरेशन जो भी है हमारी, वो भी बेटर अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, ठीक है। तो वी शुड मिनिमाइज द डैमेज टू कंट्रोल टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न। हमें अपना डैमेज हमें मिनिमाइज करना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट को इतना ख़राब ना करो। ये जो हमारे पेट्रोल कोयला जो बनता है, ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल हो जाते हैं जब बनता है ये थोड़ा भी, ठीक है। जो भी एनिमल और प्लांट मर जाते हैं वही सॉइल में नीचे हो जाते हैं, उसी से ही ये कोयला वोयला बनता है, उसी से ही ये जितने भी ये मर जाते हैं हमारे सेडिमेंट, ये पत्थर जो भी बनते हैं हमारे, सीमेंट पत्थर मिनरल्स लोहा गोल्ड जितने भी, ये सब इसी टाइप से बनते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज एट अ रेट डेट वुड लीव इनफ फॉर कमिंग जनरेशन। नेचुरल रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना चाहिए जो हम भी हमारी कमिंग जनरेशन, जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो भी हमारी जनरेशन आ रही है उसके लिए भी बचना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट इज बेसिक टू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लानेट। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, जो भी आगे जनरेशन आएगी खाना खाएंगे, जो भी है वो हर चीज़ से मिलावटी चीज़ों से ख़त्म होनी चाहिए। जो भी सांस ले रहे हैं, अब देखिए कितना पॉल्यूशन दिल्ली में, अब देखिए कोरोना वायरस की वजह से जब तक हमारा लॉकडाउन रहा था तो पॉल्यूशन लेवल इतना गिर गया हमारा, बिल्कुल क्लियरेंस सहारनपुर से हमारे माउंटेन रीजन्स दिख रहे थे। वी हैव टू एजुकेट कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को बचाओ, सेव एनवायरनमेंट, तभी वाटर के नॉइस के पॉल्यूशन के एयर पॉल्यूशन के पोस्टर बनाए जाते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अ राइट टू लिव ऑन अर्थ। जितनी भी लाइफ है अर्थ पे उससे सबका हक है वो रहने का, भले से वो शेर हो या इंसान हो। मैन मस्ट नाउ नॉट एज्यूम फॉर हिमसेल्फ द पावर डेट वुड डिस्ट्रॉय। मैन में इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी सारी डिस्ट्रॉय करें। आप देखिए केवल लॉयंस और टाइगर्स की रेंज हमारे पूरे इंडिया में 5,000 या 6,000 रह गई है कुल, और कभी हमारे उस टाइम पे लाखों हुआ करते थे।
इन द लॉन्ग रन सच डिस्ट्रक्शन वुड बी फैटल और मैनकाइंड। और अगर ऐसे ऐसे करते गए तो ये हमारी मैनकाइंड पे सबसे, अगर देखिए अगर आज हम अगर अपने कहते हैं एनवायरनमेंट का अगर हम नुकसान करेंगे तो एनवायरनमेंट हमें 10 गुना वो देगा। कोरोना वायरस जो आया, अगर हमें अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहता, क्लियरेंस रहता, तो एनवायरनमेंट हमारा ऐसा होता कि कोरोना वायरस को खुद ही एंड कर देता। पर आज ऐसा हो रहा है कि हम देखिए कितनी, कम से कम कितनी जान गई हैं। एक दिन में अमेरिका का रेट आपको पता ही है, 1000 2000 3000 से नीचे जा ही नहीं रहा। रोज़ इतनी मौतें हो रही हैं, क्यों? एनवायरनमेंट की वजह से। अगर एनवायरनमेंट, अगर तुम एनवायरनमेंट को धक्का दोगे तो 10 गुना वो हमें धक्का देगा। तो इसलिए सेव एनवायरनमेंट। आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझसे चैप्टर से चैप्टर में पूछें, अगले बार में मैं आपके क्वेश्चन आंसर सब बुक वर्क करवाता हूँ, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, पर्सनल फ़ोन पर पूछें, दोबारा वीडियो देखें। सेव फ्रॉम कोरोना वायरस, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, वॉश योर हैंड एट प्रॉपर टाइम अगेन एंड अगेन, ठीक है? एंड वियर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड।